नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम एक कंप्यूटर को थ्रू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मल्टीपल यूजर्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे हमको एक कंप्यूटर काफ़ी सारे यूजर्स को एक्सेस करवाना है थ्रू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा ये जो बाय डिफॉल्ट जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, एक टाइम पे एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। सपोज आपका एक सर्वर मशीन एक जगह में लगा हुआ है और आप चाह रहे हैं उसी सर्वर को कोई और यूजर दूसरी लोकेशन से एक्सेस करे, चाहे वो लोकल नेटवर्क हो या फिर ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हो, बट जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज है वो एक ही यूजर के लिए है। तो अगर मुझे मल्टीपल यूजर को सेम सर्वर थ्रू रिमोट डेस्कटॉप एक टाइम पे एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी हम लोग करेंगे, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आप इसको, जिसका नाम है RDP रैपर। ठीक है, हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेना है। तो जो इसका डाउनलोड लिंक है, मैं क्या करता हूँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक को कॉपी कर लीजिए और सेटअप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ इसकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट पे आप देखोगे नीचे एसेट्स में सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका RDP रैप। ठीक है, और इसका जो वर्जन रहेगा वो है 1.6.2 जिप फाइल है, ये आपको डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। ये देखिए, डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड फोल्डर में आ गई। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ का ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे आपकी बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहेगी कि जैसे ही हम इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं कर रहा। आपको ये फाइल गूगल क्रोम से डाउनलोड नहीं करनी है, आप इसके लिए दूसरे ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी खुद नोटिस किया है अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो वो क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको गूगल क्रोम की जगह एज या अदर ब्राउजर से ये डाउनलोड कर लेने फाइल। दूसरा, एक चीज का जरूर ध्यान देना, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस या फायरवॉल ऑलरेडी इनेबल होगा वो भी इसको डाउनलोड नहीं करने देगा, तो आप उसको डिसेबल कर लीजिए। ठीक है, वो इस फाइल को एज ए वायरस डिटेक्ट करेगा। अब जैसे ये मेरा डाउनलोड हो जाता है, इस फाइल को मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट हियर किया मैंने, देखिए जो भी फाइल्स इस जिप फोल्डर के अंदर अवेलेबल थी वो सारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास एक फाइल है इंस्टॉल। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं कोई भी की प्रेस कर लेता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब मुझे दूसरे स्टेप पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक और फाइल है जिसका नाम है RDP कॉन्फिग। मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर लूँगा। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने ये फाइल रन की, अभी आपको देख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में रैपर स्टेट इंस्टॉल्ड है, सर्विस स्टेट रनिंग है, लिसनर स्टेट लिसनिंग है, बट नॉट सपोर्टेड मोड में है। तो जब तक ये नॉट सपोर्टेड मोड में रहेगा तब तक क्या होगा कि ये जो कंप्यूटर या जो भी सर्वर मशीन है आपको दूसरे मल्टीपल यूजर से एक्सेस करनी है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो नॉट सपोर्टेड का स्टेटस है वो हमको सपोर्टेड में लाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे ये ग्रीन नहीं होगा तब तक ये आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसको अभी यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल देने वाला हूँ, हमको कुछ चेंजेस करने हैं इसकी प्रोग्राम फाइल में, वो चेंजेस आपको करने होंगे। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फाइल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो लिखा हुआ कोड है वो आपको एज इट इज कॉपी करना है, और किस तरह से रिप्लेस करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर का सी ड्राइव ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये देखो मैंने सी ड्राइव ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद देखो, जिसे मैंने ये इंस्टॉल किया था अभी उसका यहाँ पे नाम मिल जाएगा आपको। ये देखिए RDP रैपर के नाम से आ गया। ठीक है, मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। यहाँ देखिए मुझे दो फाइलें दिख रही है, एक .dll फाइल है, ठीक है, और एक ये हमारी दूसरी फाइल है कॉन्फिग फाइल। अब मुझे क्या करना है, ये जो कोड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंटायर कोड इस RDP रैप फोल्डर को, हम ये जो कॉन्फिग फाइल है इसमें हमको चेंज करना है, इससे रिप्लेस करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन करोगे तो ये नहीं होगा। तो आपको क्या कर लेना है, अपने डेस्कटॉप पर सर्च करना है नोटपैड। ठीक है, ये देखिए नोटपैड जैसे मैंने लिखा ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन करना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया, लेफ्ट साइड में आपको फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहां पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। यहां हमें क्या करना है, अगेन सी ड्राइव के अंदर जाना है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल, और यहां पे RDP रैपर के नाम से हमारा इंस्टॉल्ड हुआ था। ये देखिए, इसको मैं ओपन कर लूँगा। अभी मुझे यहाँ पे करंटली कोई भी फाइल नहीं दिख रही, तो राइट साइड में आपको ये देखिए नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑल फाइल पे टिक कर लूँगा। अब ऑल फाइल पे टिक करने के बाद ये देखिए दोनों फाइल आ गई मुझे, .dll और दूसरी RDP रैपर। तो मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है दोस्तों, मुझे क्या कर लेना है, पूरा सेलेक्ट करना है और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब एक कोड मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये कोड कॉपी कर लीजिए। तो कोड मैंने क्या किया, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। अभी ये मेरा कोड रहेगा। ठीक है, मैं इस कोड को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरी फाइल थी इसमें पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको सेव करना मत भूलिएगा, ये मैंने सेव कर लिया फाइल, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने क्लोज कर लिया। अगेन दोस्तों मुझे क्या करना है, जो मेरा फाइल मैंने डाउनलोड किया था उस फाइल में जो RDP कॉन्फिग करके उस टूल को मैं अगेन राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करूँगा। तो दोस्तों ये अभी फुल सपोर्टेड आ चुका है, तो मुझे क्या कर लेना है, अभी आपको क्या करना है, अपने सिस्टम का कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च कीजिए, तो ये देखो कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन लिखा हुआ आ गया है, आप इस विंडो को ओपन कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लोकल ग्रुप्स एंड यूजर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे यूजर्स है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में अभी एक ही यूजर है, ठीक है, यूजर्स के नाम से, और ये ऑलरेडी चल भी रहा था रिमोट डेस्कटॉप पे, बट मुझे क्या करना है, अब एक नया यूजर बनाना है, ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया सपोज यूजर वन, ठीक है। और मैं इसी चीज़ को कॉपी करके इसके फुल नेम और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे मैं कोई भी एक पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ओके कर दिया, ठीक है। मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ टेस्टिंग के लिए, यूज़र टू बना लिया मैंने, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके लिए भी मैं कोई डेडिकेटेड पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको पासवर्ड नेवर एक्सपायर और क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया। अभी दोस्तों मेरे सिस्टम में एक यूज़र ऑलरेडी था, जो कि मेरा इस सिस्टम पे, या सपोज कीजिए ये सर्वर है, इस पर कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरे पास दो और यूज़र हैं जो अलग अलग लोकेशन से इस मशीन को एक्सेस करेंगे, यूज़र वन या यूज़र टू के नाम से, ठीक है, और वो भी सेम टाइम पे सेम रिसोर्सेज जो मेरे सर्वर में इंस्टॉल है उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं ये यूज़र वन ओपन कर चुका हूँ। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस यूज़र पे डबल क्लिक कर लीजिए और इसको ना मेंबर ऑफ, अभी ये सिर्फ यूज़र्स है, इसको रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर बना लीजिए, अदरवाइज आपको चैलेंज आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइंड नाउ पे जाके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रिमोट डेस्कटॉप करके, ये देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखिए रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स, तो मैंने इसको मेंबर बना लिया इसका। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूंगा किसी दूसरे सिस्टम से, तो ये इजीली एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए मेंबर ऑफ, मैंने इसको भी मेंबर बना लिया है, तो दोस्तों ये एक्टिविटी आपको डेडिकेटेड करनी ही करनी है। अब ये सारा प्रोसेस हो चुका है, एक बार आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिए, और जैसे ही आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जहां से भी आपको इसको रिमोटली एक्सेस करना है, जिस भी मशीन से रिमोटली एक्सेस करना है, आप इसको इजीली रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। इनकेस आपकी कोई क्वेरी रहेगी दोस्तों, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपकी क्वेरीज है उस पर मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे पाऊँ। तो उम्मीद है आज के वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हुई चीज़ें आपको इजीली समझ में आई होगी। इनकेस कोई चैलेंज है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।